हेलो गाइस एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं संजीव, आप देख रहे हैं संजीव ग्राफिक। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर्व्स को यूज़ करके अपनी फ़ोटो की क्वालिटी को और इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो की डार्क साइड को कैसे आप एक नेचुरल कलर को ब्राइट कर सकते हैं जो बिल्कुल भी नेचुरल लगेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कर्व्स के बारे में आई डोंट थिंक आप जानते हैं। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। Let's get started। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो, आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ोटो ओपन कर लिया है। तो इस फोटो को करते हैं एडिट, और इसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे जाऊँगा सिंपली इस पर, और यहाँ करते हैं कर्व्स। दोस्तों, जब भी आप कर्व्स को यूज़ करते हैं तो मैं इसके यूज़ करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें बता दूँ। आपने जब भी यूज़ किया होगा तो ये जो एरिया है, ये जो ब्लैक पोर्शन है और ये जो वाइट पोर्शन है, इसके अंदर आई डोंट थिंक कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी, शायद आपको पता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो ये जो साइड है आप देखेंगे, अब मैं इस पर क्लिक करके इसको नीचे लेके आऊँ, तो ये इमेज के अंदर डार्कनेस को बढ़ रहा है। और मैं सिंपली सेम पे रहने दूँ, फिर या फिर इसको मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊँ तो इसके अंदर ब्राइट दे रहा है। तो ये जो एरिया ना, अगर आप ब्लैक साइड के एरिया को अगर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वो वाइट साइड हो जाएगा, यानी कि वो ब्राइट देगा, बट वो पूरा ब्राइट नहीं होगा, वो पूरा वाइट नहीं होगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हल्का उसको वाइट करेंगी, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ कि पूरा वाइट नहीं होगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ तो ये ब्लैक हो रहा है। तो ये नॉर्मल चीज़ें जो हम जानते हैं। अब फोटोशॉप में जब आप इसको कर्व्स को यूज़ करते हैं तो सिंपली सबसे पहले मैं इस इमेज पे ले लेता हूँ, तो हम किसको करते हैं मास्क। और दो तीन चीज़ें हैं यूज़ करने के, सपोज़ अगर आपको इसमें यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, ये हैंड टूल। इस पर अगर सपोज़ मैंने ये क्लिक किया और इसके ऊपर मैं इस नीचे कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये इमेज को डार्क कर रहा है, क्योंकि इस पोर्शन को क्लिक करके ये अपने हिसाब से इस फोटो को एडजस्ट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और फिर इसके नीचे करूँ तो डार्क हो रहा है। आई थिंक ये चीज़ आप में कुछ लोगों को पता होगी और कुछ लोगों को नहीं होगी। फिर यहाँ अगर क्वेश्चन है तो मैंने क्लिक किया और इमेज को ब्राइट और डार्क कर सकता हूँ। इससे अभी मैं इसको देख रहे हैं हल्का डार्क ब्राइट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये पोर्शन है, फिर मैं इस पर क्लिक करके हल्का सा डार्क कर रहा हूँ। ये पोर्शन है, इस पर मैंने क्लिक करके हल्का सा इसको डिम कर रहा हूँ। तो ये पहले फ़ोटो कुछ ऐसी थी, आप देख सकते हैं, और अब फोटो ये ऐसी है। तो आप एक नॉर्मल फ़ोटो को किस तरह एडिट कर पाएंगे कर्व्स में, इसलिए बताओ ये मैं इस वाले वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम इसको करते हैं रीसेट, जो कि सबसे पहले हमारा इमेज ऐसे था। ये तो हैंड टूल का यूज़ हमने किया, इसको यूज़ करके आप एक जगह क्लिक करके उसकी ओपेसिटी नीचे करके तो उस हिसाब से ये कर्व्स अपने आप ही उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, और उससे आपकी फ़ोटो के अंदर क्या जो क्वालिटी आ रही है उसको आप देख सकते हैं। ये था पहले, और ये हमने डिम किया, इसको करते हैं रीसेट। और यहाँ आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, जैसे RGB में रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो रेड अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं आपको बता दूँ RGB रेड यानी कि वो अपोजिट है सियान का, ग्रीन है अपोजिट आपका मजेंटा का, और ब्लू है अपोजिट येलो का। सियान मजेंटा येलो ब्लैक CMYK 4 कलर आपने सुना होगा, ये अपोजिट हो जाते हैं CMYK के, और ब्लैक एडिशन होता है। तो ये मैंने रेड लिया। अगर मैं रेड को क्लिक करके यहाँ से इस पोर्शन को ऊपर लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर रेड का टोन बढ़ रहा है। और फिर अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो यहाँ पे इसने हल्का सा सियान कर दिया। अगर रेड का टोन हम नीचे लेके आएंगे तो सियान हो जाएगा, और ऊपर लेके जाएंगे तो रेड हो जाएगा, ठीक है। सिंपली मैंने हल्का सा इसके अंदर रेड बढ़ाया। अगर मैं चाहता हूँ कि इस फोटो में यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे ये इन्होंने सनग्लासेस पहने हुए हैं, अगर इस फोटो में अगर हम क्लिक करके मैं इसका यहाँ क्लिक करके अगर मैं ये करूँ तो यहाँ देखेंगे हल्का सा यहाँ पे हम मिड टोन दे पा रहे हैं,
अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको आफ्टर एंड बिफोर करके दिखाऊंगा। पहले हमारा इमेज कुछ ऐसा था और देन हमारा इमेज कुछ ऐसा है, तो आप फर्क देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। और यहाँ पे हमने ये कर लिया, अब हम करते हैं यहाँ पे ग्रीन में। ग्रीन में हम आ जाते हैं और फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन की कुछ है फंक्शंस है, तो सिंपली मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया इस पर और फिर मैं यहाँ क्लिक करके इस पर आ जाता हूँ। तो यहाँ देखेंगे हल्का सा हमने ज़्यादा किया था, ठीक है। फिर यहाँ क्लिक कर लेते हैं, ये हल्का सा क्लिक किया मैंने, यहाँ देख सकते हैं आप। आफ्टर बिफोर फिर देखते हैं, पहले इमेज ऐसा था अब इमेज ऐसा। अब हम करते हैं ब्लू में, ब्लू में करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने सिंपली क्लिक किया, ब्लू का साइन हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। तो ब्लू यानी कि वो येलो को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ हमने येलो पे क्लिक किया। इसको हम अगर नीचे करेंगे तो ये येलो बढ़ रहा है इसके अंदर, देखेंगे। अगर मैं ऊपर करूँ तो ये ब्लू का आ जाए। मैंने आपको बताया था ना, ये ब्लू अपोजिट है येलो के। अगर मैं इसके अंदर ब्लू का टोन बढ़ाना चाह रहा हूँ तो सिंपली क्लिक करके मुझे ऊपर करना है, तो वो येलो की जगह ब्लू का टोन हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ रीसेट, ठीक है, ये हमारा इमेज था, यहाँ पे हम आ गए हैं ब्लू पे। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके ऊपर लेके जाऊँ तो ये ब्लू का टोन आ जाएगा, और नीचे लेके जाऊँगा तो इसके अंदर येलो टोन हम देखेंगे वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और सिंपली जब भी आप कर्व का यूज़ करें तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कर्व का बार ओपन हो जाएगा। हर प्रॉपर्टी का कोई ना कोई सिंबल होता है, यहाँ पे कर्व का सिंबल ये है, ठीक है। तो फोटोशॉप में ये छोटी सी ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को करें लाइक। आई होप आपको ये टॉपिक आपको यूज़ में आएगा, और आपको आने वाली जितनी भी फोटोशॉप के प्रोजेक्ट आप करेंगे उसमें आपको यूज़ में आएगा। आप इससे अपनी फ़ोटो का टोन बढ़ा सकते हैं और कई टोन में आप काम कर सकते हैं। जैसे कई बार आप फोटो यूज़ करते हैं तो उसमें कई बार उस फोटो में क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट होती है, तो आप उस फोटो को इसका कर्व का यूज़ करके आप अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे चैनल पर फोटोशॉप ट्यूटोरियल से रिलेटेड एवरी डे न्यू वीडियो अपलोड होती है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। We'll be right back.